वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं, आपने मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, सेफ्टी ऑफिसर कितने तरह के होते हैं। जी हाँ, सेफ्टी ऑफिसर एक होते हैं, दो होते हैं, तीन तरह के होते हैं, 10 तरह के होते हैं या 20 तरह के होते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा सेफ्टी ऑफिसर 40 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, 40 प्रकार के होते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब तो जरूर लग रहा होगा, लेकिन जी हाँ, आपका सारा कंफ्यूजन आज मैं दूर कर दूंगा। हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर में कितने होंगे, सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, फायर में कितने होते हैं, फूड में कितने होते हैं, एनवायरमेंट में कितने होते हैं, ये तमाम चीजों को एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, इस तरह के सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा और आपको अपने करियर को और बेहतर करने में भी आपको मदद मिलेगी। आप कभी भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। जब कौन सा कोर्स शब्द आता है तो आपने तो सिर्फ एक सेफ्टी ऑफिसर शब्द सुना है, और सेफ्टी ऑफिसर में तो 40 तरह की चीजें होती हैं। अब वहां पे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि वास्तव में उसे करना क्या चाहिए। तो सेफ्टी ऑफिसर कितने तरह के होते हैं, तो मैंने पूछा तो पता चला कि किसी ने कहा 40 प्रकार के होते हैं। क्या वास्तव में सेफ्टी ऑफिसर 40 प्रकार के होते हैं? अगर होते हैं तो चलिए देखते हैं कितने होते हैं। आप काउंट करते चलिएगा, मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। देखो, सेफ्टी ऑफिसर का जो वर्क होता है उसे हम कार्य के अनुसार डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। भाई जैसा जो व्यक्ति है, जिस तरह से उसका कार्य है, उसी तरह का उसका जॉब होता है, उसी तरह का पोस्ट होता है। अब कार्य के अनुसार का क्या मतलब हुआ, यानी वह सेफ्टी ऑफिसर जिस तरह का कार्य करता है ठीक उसी तरह का उसे एक नाम दिया जाता है। उस नाम से स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि इनका स्पेशलाइजेशन क्या है, ये किस चीज में माहिर है, ये किस चीज के एक्सपर्ट है, इन्हें किस बात की जानकारी है। अब जैसे एक डॉक्टर हम शब्द कहते हैं, माना कि एक शब्द ले लेते हैं डॉक्टर, डॉक्टर कहने का मतलब हो जाता है कि हाँ, जो बीमारों का इलाज करता है, जो ऑपरेशन करता है, जो, लेकिन अगर हम डॉक्टरी में भी देखें तो बहुत सारा होता है। कोई ब्रेन का डॉक्टर होता है, कोई पेट का डॉक्टर होता है, कोई आँख का डॉक्टर होता है, कोई कान का डॉक्टर होता है, कोई कैंसर का डॉक्टर होता है, तो सो मैनी डॉक्टर्स। अब ठीक उसी तरह से हमारे सेफ्टी फील्ड में भी है, सेफ्टी फील्ड में कितने तरह के पोस्टेज हैं, आप उस कार्य के अनुसार इस चीज को जानते हैं और समझते हैं। जब भी आप कार्य के अनुसार इसे एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो आपके पास जो है कुछ 4 तरह की ये पॉइंट्स आएंगे। पहला पॉइंट्स आएगा आपके पास हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, दूसरा पॉइंट है फायर सेफ्टी ऑफिसर, तीसरा है फूड सेफ्टी ऑफिसर, और चौथा है पर्यावरण सेफ्टी ऑफिसर, जिसे आप इन्वायरमेंट सेफ्टी ऑफिसर भी कहते हैं। अब देखो, 4 तरह की कैटेगरीज आपके पास आ गई। एक में आप देख रहे हैं सिर्फ हेल्थ शब्द है, सेफ्टी ऑफिसर कॉमन है। दूसरे में आप देख रहे हैं फायर है, सेफ्टी ऑफिसर कॉमन है, फूड है, यानी आपने देखा हेल्थ, फायर, फूड और पर्यावरण। इसके अलावा भी और भी कैटेगरीज होती है जिसे मैं कभी और डिस्कस करूंगा, लेकिन स्पेशली आज मैं इन 4 के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, और 40 कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का मतलब, जैसे आप कोई कहता है कि वह हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर है, यानी इट मींस ये क्लियर हो जाता है कि वह बंदा हेल्थ के बारे में, हेल्थ और सुरक्षा के बारे में एक्सपर्ट है, माहिर है, उसका स्पेशलाइजेशन है, वह बेहतर कर सकता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से फायर में है, वो फायर का मास्टर है, वो फायर सेफ्टी यानी आग से कैसे बचाव किया जाए, कैसे सुरक्षित रहा जाए, कैसे मटेरियल को सुरक्षित रखा जाए, कैसे लिविंग पर्सन को सुरक्षित रखा जाए, ये उसका मास्टर होता है। अब ठीक उसी तरह से फूड में आ जाइए, फूड में यानी खाने से रिलेटेड, पूरी दुनिया आप देखते हैं कि फूड पर, अरे आधी दुनिया को देख लो, रोज फूड से आपका पाला पड़ता है, रोज हेल्थ से आपका पाला पड़ता है, रोज फायर से आपका पाला पड़ता है। और ठीक उसी तरह से पर्यावरण, जहां पे हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, इन सब की सुरक्षा के लिए अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, जो अलग अलग तरह के कोर्स करने के बाद से इन पोस्ट पर जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक कोर्स आपने कर लिया और सब कुछ बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डिफरेंट तरह के कोर्सेज भी हैं और डिफरेंट तरह के क्या है, पोस्ट भी हैं, और उसी के अनुसार उनकी सैलरी भी है। अब चलिए थोड़ा सा अब जान लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको 10 कैटेगरीज बता रहा हूँ हेल्थ से रिलेटेड। अगर हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर में देखें तो पहला जो पोस्ट आता है शुरुआती दौर में, वो होता है आपका हेल्थ सेफ्टी अवेयरनेस ऑफिसर, जिसे टेक्नीशियन भी कहा जाता है।
एक हो गया अवेयरनेस ऑफिसर, दूसरा क्या हो गया एडवाइजर हो गया। किस चीज का एडवाइजर है भाई? तो हेल्थ सेफ्टी का एडवाइजर है। सुपरवाइजर हो गया, किस चीज का सुपरवाइजर है? तो हेल्थ सेफ्टी का सुपरवाइजर। मैनेजर किसका मैनेजर है? तो हेल्थ सेफ्टी का मैनेजर है। हेल्थ सेफ्टी परमिट ऑफिसर कौन सा ऑफिसर है भाई? तो हेल्थ सेफ्टी के लिए परमिट का उनके पास नॉलेज है, एक्सपर्ट है, तो हेल्थ सेफ्टी परमिट ऑफिसर ऑफिसर है। ऑडिट करने का, जांच करने का कौन है? तो हेल्थ सेफ्टी ऑडिटर है। हेल्थ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। एक कॉन्ट्रैक्ट, जब भी आप कहीं जॉब में जाते हैं तो आपसे पहले डिस्कशन होता है, फिर उसमें नियम कानून लिखे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, सैलरी तय किया जाता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर होता है जो हेल्थ सेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर कहलाता है। हेल्थ सेफ्टी इंश्योरेंस ऑफिसर जो आपकी जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष और वैकल्पिक व्यवस्था करता है, उसे एक डिपार्टमेंट होता है इंश्योरेंस ऑफिसर का, तो वो हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड काम करते हैं। और देखो इंश्योरेंस भी दो तरह का होता है, कार का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, मकान का इंश्योरेंस, घर का, दुकान का, और एक लाइफ का होता है, ठीक है। अब देखते हैं दसवें नंबर की जो बात आती है, वो हेल्थ सेफ्टी सर्वे ऑफिसर है। सर्वे ऑफिसर क्या करता है? ये जांच करने, ये भी एक तरह का जांच अधिकारी है। अब आपने देखा कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसके अलावा भी अलग अलग तरह के पोस्ट और होते हैं, लेकिन ये जो 10 ऐसे पोस्ट मैंने बताया ये पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। तो हेल्थ सेफ्टी अवेयरनेस से लेकर के और सर्वे ऑफिसर, यानी 10 कैटेगरी जो हुई। और ठीक इसी तरह से अगर आप फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में चलते हैं तो वहां पे क्या मिलेंगे आपको? फायर सेफ्टी अवेयरनेस ऑफिसर मिलेंगे, फायर सेफ्टी एडवाइजर मिलेगा, सुपरवाइजर मिलेगा, फायर सेफ्टी मैनेजर मिलेगा, और फायर सेफ्टी ऑडिटर मिलेगा, फायर सेफ्टी सर्वे ऑफिसर मिलेगा। तो 10 ये इतने हो गए, 10 पोस्ट तो ये हो गए आपके। ये 10 प्रकार के सेफ्टी ऑफिसर होंगे जिनका काम बिल्कुल डिफरेंट है। अब ऐसा नहीं कि जो अवेयरनेस वाला काम कर रहा है वही एडवाइजर कर रहा है, जो एडवाइजर कार्य कर रहा है वही सुपरवाइजर, नहीं। इन सभी लोगों की ड्यूटीज, इन सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सभी लोगों का वर्क जो है बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो आई होप फायर में भी आप देखेंगे तो फायर में भी वही होता है, फायर में भी ये 10 कैटेगरीज आपको मिलेंगे। फूड में भी आपको 10 कैटेगरी मिलेंगे, पर्यावरण में भी 10 कैटेगरी आपको मिलेगा। तो आप कितना हो गया? तो 10 दस दस का आप बात कर लीजिए। तो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, ये 40 तरह के सेफ्टी ऑफिसर हो गए। लेकिन अगर प्रमुख कैटेगरी की बात करें कि हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया, तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मली बात करें, देखो हेल्थ बहुत जरूरी है, आग से बचाव भी बहुत जरूरी है, रोज का खाना भी बहुत जरूरी है, और पर्यावरण को भी सेफ रखना बहुत जरूरी है। तो ये 4 तरह के ऐसे सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं किसी दुष्परिणाम से बचाने का कार्य करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सेफ्टी ऑफिसर कितने होते हैं। अभी तक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आप जान चुके होंगे कि हाँ, वास्तव में सेफ्टी ऑफिसर या फायर सेफ्टी ऑफिसर की कैटेगरीज कौन कौन सी है, कौन एडवाइजर होता है, कौन सुपरवाइजर, इन सब की पढ़ाई अलग अलग होती है। और अलग अलग कोर्स को पढ़ने के बाद से आप इस पोस्ट पे जाते हैं। इनकी फीस भी अलग अलग होती है, कोई कोई क्लासेज जो है आपको 15,000 में मिल जाता है, तो कोई आपको लाखों में मिलता है, कोई 70 में मिल जाता है, कोई 50 में मिलता है, कोई 80 में मिलता है, कोई 1.5 लाख में मिलता है, कोई 3 लाख में मिलता है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी हैं, उनकी सैलरी भी डिफरेंट होती है, उनका वर्क भी डिफरेंट होता है। तो आई होप कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे आपके इसी तरह के कुछ प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।